पुड़े गया दोनों हाथ, हाथ पुड़े गए। गुड यम्मी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुप्रिया और आज हम सुबह सुबह निकल रहे हैं आईकिया जाने के लिए। तो सोचा चलो आपको यूएस का आईकिया दिखाऊं। से इंडिया में भी आईकिया है अभी, लेकिन मैंने सोचा चलो यूएस का भी घुमा देती हूँ। तो आराध्या आज बैठ रही है बूस्टर पे, है शना? तो ये कार सीट है उसकी, इस कार सीट पे वो नहीं बैठ रही है। अब वो बड़ी हो गई है तो आज वो बैठ रही है बूस्टर पे। अरे 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 अरे, केयरफुल, व्यवस्थित बस। चना हिका है, हिका है, पर्स है तुझे? बागू पर्स मध्य का है, बागू का है? अरे वाह, स्नैक्स क्यों चली पर्स मध्य? एक स्नैक्स है, मतलब सो मेनी स्नैक्स बसन ना, बसत नहीं का, छोटी है का पर्स? इट्स ओके, मम्मा घेतली तुझ्यासाठी स्नैक्स। तो ये मैं आराध्या के लिए चीज सैंडविच लेके आई हूँ, रस्ते में जाते थे वो खाएगी। खा अनिसा, अंकस है, छान बनो ले चीज सैंडविच। यम्मी यम्मी इन माय टमी। सो गाइस, अभी जो आपने टू व्हीलर देखी तो यहाँ पे ऐसे थ्री व्हीलर होती थी, वहां के तीन दोनों होते व्हील। तो टू व्हीलर जो होते हैं ना वो यहाँ पे ऐसे होते। तो मुझे ना इंडिया में बहुत लोग पूछते थे कि वहाँ पे टू व्हीलर नहीं है तेरे पास, एक्टिवा नहीं, एक्टिवा जैसी गाड़ी नहीं है तेरे पास? तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही गाड़ी मिलती है, मतलब ऐसे ही टू व्हीलर होते हैं जो हार्ले डेविडसन के होते हैं। तो मेरे लिए कोई टू व्हीलर नहीं है यहाँ पे। मुझे अगर मुझे चलानी भी है तो मुझे कार ही चलानी पड़ेगी। ये देखो, और एक टू व्हीलर जा रही है यहाँ पे। तो ये टू व्हीलर है, वो थ्री व्हीलर थी, ये है टू व्हीलर हार्ले डेविडसन। तो देखो हार्ले डेविडसन, ये रेनबो, अरे गाड़ी वाली यार, हाँ ये रेनबो बक्षना, रेनबो पण पाऊस नाहीये तरी सुद्धा रेनबो दिसतोय। कलरफुल आहे हो, रेनबोचे कलर्स कोणते कोणते आहेत सांग बरं? रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, व्हायलेट, इंडिगो। थोडं जवळून बरंच दिसणे बघितलं ना। अँड हियर वी कम, इथून आयकिया कॉस्को, हियर एंट्रन्स कॉस्को नहीं सुना, आईकिया। तो गाइस यहाँ पे सैनिटाइजर ये रखे हुए हैं, वाइप्स रखे हुए हैं, और ये हम कर रहे हैं कार्ड को सैनिटाइज। हाय हाय, आर यू हैप्पी? तो हम लोग अंदर आ गए और मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि कैसे सैंपल्स बने रहते हैं सारे रूम्स के, ताकि हमें भी आइडिया आ पाए कि हम लोग हमारे रूम के लिए क्या ले सकते हैं। तो अभी मैं हूँ लिविंग रूम सेक्शन में, आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह ऐसे सैंपल्स बने रहते हैं ताकि हमें भी आइडिया आ सके कि हम लोग टीवी रखेंगे तो नीचे क्या रख सकते हैं, और सोफ़ा रखेंगे तो उसके सामने क्या रख सकते हैं। ये दूसरा सैंपल है, और ऐसे ही बहुत सारे सैंपल्स होते हैं यहाँ पे। तो ये दूसरा सैंपल है, तो ये है सोफा सेक्शन।
तो ये ऐसे सैनिटाइजिंग स्टेशन है हर जगह पे, तो कर से ना सैनिटाइज करूंगे लोग कर। पड़ेगी अदन हाथ हाथ पड़ेगी गुड घर लिखा है इकड़े। तो ये देखिए ये ब्यूटीफुल सा किचन सेक्शन है, कितना प्यारा है। तो लोग जब यहाँ पे घर लेते हैं ना, खुद का घर अपना घर लेते हैं, तो यहाँ से शॉपिंग करने में बड़ा मजा आता है। मतलब हम लोग यहाँ से हमारा ड्रीम होम हम मतलब प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब ऐसे सजा के रखते हैं, तो प्लान करने में भी इजी होता है कि हमें क्या चाहिए। देखिए यहाँ पे कितने वैरायटीज ऑफ कुकटॉप्स और जो भी किचन में जो भी सामान लगता है ना, वो सब वैरायटी है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो कुकटॉप देखो कितने सारे वैरायटीज ऑफ कुकटॉप है, ये फिर यहाँ पे ये, फिर उधर भी बहुत सारे हैं। तो ये यहाँ पे है टेबल सेक्शन, देखिए डाइनिंग टेबल सेक्शन है, ये यहाँ पे भी है। और ये है यहाँ पे बेडिंग सेक्शन, बेड्स सारे बेड्स रखे हुए हैं यहाँ पे। खाना का सो हम लोग जो है बेड फ्रेम के साथ बेड भी ले रहे देख रहे हैं, क्योंकि हमारे घर पे जो अभी ये जो मैट्रेस है, हमारा जो मैट्रेस है वो बहुत ही ज्यादा ऐसा पिचका हो गया है मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो हम लोग एकदम जो इंडिया में जैसे मैट्रेस होते हैं ना, ऐसे कड़क वाले एकदम एक्स्ट्रा फॉर्म, तो वो वैसा वाला मैट्रेस हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैट्रेस जो मिलता है ना वो बहुत ही ऐसे सॉफ्ट होते हैं, और फिर उस पर सोने के बाद पीठ दर्द होने लग जाता है। तो इंडिया में जैसे मिलते हैं कड़क वाले एकदम, तो वैसे वाला मैट्रेस हमें चाहिए, तो हम देख रहे हैं। तो अभी मैं जहाँ बैठी थी वो मैट्रेस बहुत सही लगा मुझे, तो देखते हैं। शो ना आता अपन कुठे चाललो, आता तुझं सेक्शन आहे, चल किड सेक्शन। ये है किड सेक्शन, तो यहाँ देखिए कितना प्यारा प्यारा सेट, मतलब उन्होंने ऐसे कितना प्यारा प्यारा सैंपल बना के रखा है बच्चों के बेडरूम्स का। ये यहाँ पे है बड़े बच्चों के बेड, और छोटे बच्चों के वहाँ पे वो सब कंफर्टर्स है, मतलब वो सब ब्लैंकेट्स है। यहाँ पे उनकी स्टडी का सामान और खेलने का भी बहुत कुछ है। तो ये ऐसा टेंट आराध्या के पास भी है पिंक कलर का। और ये देखो सॉफ्ट टॉय सेक्शन, जहाँ से हम लोग एक भी सॉफ्ट टॉय नहीं लेने वाले, क्योंकि घर में बहुत सारे सॉफ्ट टॉय भर गए हैं। ये लोग यहाँ पे खड़े हैं और आराध्या देखो कैसे बैठी है कार्ट में। हाय चीज पिज्जा, नो चीज पिज्जा का खाइजा नहीं है, मुझे जैसे टी आनला ना ते खाइजा। सो गाइस हम लोग यहाँ पे अभी बैठे हैं कुछ खाने के लिए, और मेरे हस्बैंड गए वहाँ पे बना कुछ आना लग लगता हम, तो वहाँ पे कुछ लाने के लिए गए हैं। और ये जो टेबल्स है उन्होंने हमारे बैठने से पहले यहाँ पे सैनिटाइज किया है, और हमें ये तीन ट्रेस दिए हैं, मतलब एक ट्रे तो वो लेके गए हैं, ऐसे ट्रेस दिए, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो भी खाएंगे ट्रेस के अंदर ही रखना है, ट्रैश भी जो है अंदर ही रखना है, टेबल पे कुछ गिराना नहीं है। और हमें पहले ना आदत थी कि ये ट्रैश मतलब जो हम लोग खाते हैं ना उसको निकाल के हम डस्टबिन में डालते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी नहीं डालना, यहीं पे रखो हम लोग डाल देंगे। इंग्लिश में ट्रैश मानते हो,
तो मैंने आराध्या के लिए चीज बर्गर चीज सैंडविच लाया था, वो उसने खाया नहीं, आधा ही खाया। और बहुत कुछ लाया था, फ्रूट्स और वो सब मैंने टिफिन में, लेकिन वो सब उसको खाना नहीं है, यहाँ पे बैठ के खाना। रिसाइकलिंग मध्ये ना, ते सगळं रिसाइकलिंग मध्ये असत ना, ते वॉटर बॉटल, पेपर, अजून काय रिसायकल काय करू शकतो आपण? रिसायकल बनाना पियो, बनाना पियो रिसायकल नाही करू शकत, पेपर वॉटर बॉटल हे रिसायकल करू शकतो। ओके, तो ये देखिए कैसे वो सैनिटाइज कर रहा है टेबल को। तो यहाँ हम लोग बैठे उससे पहले उसने हमें ये टेबल सैनिटाइज करके दिया था। तो आराध्या के लिए मंगाया है ये मैक एंड चीज, ये वेजिस तो वो शायद नहीं खाएगी, मैं खा लूंगी। और मेरे लिए भी मैक एंड चीज, ये है गार्लिक ब्रेड और फ्रेंच फ्राइज। यानी मांस तो खा लीजिए। हाँ, तो हमारा स्नैक हो गया और अब हम नीचे जा रहे हैं। तो अब मैं नीचे का सेक्शन दिखाती हूँ आपको। इंडिया में भी आइकिया है जो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे देखने की बहुत 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 इच्छा है, क्योंकि इंडिया में आइकिया है। तो आप लोगों में से किसी ने देखा होगा आइकिया, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा है, एक्सपेंसिव है या ठीक है, मतलब प्राइजेस कैसा है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे, अगर आप लोगों में से कोई गया है आइकिया में, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी इंडिया में तो मुझे आइकिया ज़रूर घूमना होगा। तो ये देखो एवोकाडो हम लोग बहुत खाते हैं, तो एवोकाडो का कटर है। आइसक्रीम स्कूप बन गया है, आइसक्रीम स्कूप। स्कूप गए थे कुटे? ओह नाइस, की आपल्याकडे नाही आहे। घेते ना। घे, कोणता कलर पाहिजे तुला? ब्लू। ओके। ये तुझे काय आहे का? हो, माझ्याकडे आहे। तो ये सारा कुक शॉप सेक्शन है। यहाँ देखो सारे जार्स और बॉटल्स और मतलब जो भी किचन में लगता है ना, वो सब सामान है। काय सेंड करू? व्हिडिओ। कुठे सेंड करू? आम्हाला बघत असते टीव्ही मध्ये, सेंड कर। एडिट करावं लागतं ना पहिले, एडिट करून मग अपलोड करते युट्यूबवर, मग तो बघू शकते टीव्हीवर। तो ये बोल रही है कि वीडियो जल्दी से एडिट, मतलब वीडियो जल्दी से टीवी पर डालो, मुझे देखना है। तो मैंने बोला एडिट पहले करना पड़ेगा, फिर बाद में डालूंगी। तो हम लोग ये हो गया अभी वो बर्तन वाला सेक्शन, ये है बेडिंग सेक्शन। सोना कंटाळा आला तुला? फिरून फिरून कंटाळा आला? मग तो ये है रग सेक्शन, यहाँ पे सारे रग्स मिलेंगे, वैरायटीज ऑफ रग। यहाँ से हमने भी लिए है एक दो रग हमारे घर के लिए, तो अभी हमें कुछ नहीं लेना है। छान है का? सॉफ्ट है का तेरा? अपना कारपेट खालचे कारपेट चक्क आहे। चला, ये देखो लैम्प सेक्शन, कितने प्यारे प्यारे लैम्प्स है यहाँ पे। आपको कैंडल्स का खजाना दिखाऊं? ये देखिए कितने सारे कैंडल्स हैं यहाँ पे। योर कैंडल्स, सी कैंडल्स।
तो ये सारे सेंटेड कैंडल्स होते हैं, जो कलरफुल होते हैं ना, वो सारे सेंटेड कैंडल्स होते हैं। और ये है नर्सरी काइंड ऑफ सेक्शन, तो यहाँ पे सारे प्लांट्स मिलते हैं, सारे नहीं मतलब डेकोरेटिव प्लांट्स मिलते हैं, इंडोर प्लांट्स। तो ये प्लांट हम लोग ले रहे हैं घर के लिए हमारे। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को, दोनों को, हम दोनों को ना प्लांट्स घर में बहुत पसंद है। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे बहुत प्लांट्स है घर में, जो विंटर में हम लोग अंदर लेके आते हैं और समर में फिर से बाहर रख देते हैं। और इंडोर प्लांट एक होता है ना, दो है, एक मनी प्लांट है और एक फिडल लीफ फिग है। और ये वाला और एक ऐड हो रहा है हमारे घर में, बिकॉज ये ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छा होता है घर में, ऑक्सीजन के लिए। तो आर्टिफिशियल प्लांट्स में ना वो मतलब वो फील नहीं आती हमें, ये रियल प्लांट्स बहुत पसंद, बिकॉज इससे ऑक्सीजन भी बहुत अच्छा रहता है घर के अंदर। मुझे तो लगता है हर कोने में थोड़े थोड़े कुछ प्लांट्स रख दो। तो गाइस यहाँ की हमारी शॉपिंग हो गई है। एक्चुअली हमें चाहिए था किंग मैट्रेस, एक्चुअली हमें मैट्रेस लेना था मेन, तो हम लोग उसके लिए आए थे। तो यहाँ पे किंग साइज अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग दूसरे आइकिया में जा रहे हैं। तो फटाफट यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से वो एक घंटा लगता है यहाँ से जाने में। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और दूसरे आइकिया जा रहे हैं। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे अभी सेल्फ चेकआउट कर रहे हैं। हम चल दिए नेक्स्ट कुटे आइकिया। काड़ मास्क काड़ काय चल तुला, आर यू टायर्ड? तो ये हमारा प्लांट यहाँ पे कुटे डोलो, प्लांट यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे आराध्या बैठी हुई है। और बताए अभी मैंने बहुत कुछ कॉमेडी वाला बोल दिया, हंसने वाला बोल दिया, और मैंने रिकॉर्डिंग ही चालू नहीं किया था। तो आराध्या ने याद दिलाया मेरे को, है ना? सुना तू का संगीतली वाला कुठे गेली आई कुठे तू? हाँ इथे इथे। हाँ बोल मम्मा, रेड बटन ही प्रेस नहीं किया, प्लेस नहीं प्रेस नहीं किया होता तो यहाँ मैं बैठी हूँ और ये यहाँ बैठा है। ऐसे मैंने कुछ बोला हुआ था मैंने जब मैंने रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं किया था। कसा इट्स ओके, पण छान वाटतं ना घरात प्लांट्स, छान वाटतं की नाही? कसं म्हणते बघा ना, कसं म्हणते? सो मेनी प्लांट्स घेतलो आम्ही, ओनली वन प्लांट घेतलो आपण, फिडल लीफ फिग्स। जे मनी प्लांट तर आपण ना डॅडाच्या ऑफिस मधून मिळालेलं आहे, ते माहिती? मनी प्लांट, हा ते डॅडाच्या ऑफिस मधून मिळालेलं आहे। छान असते प्लांट हो ना। रिलीजन म्हणती ना, सन हाइड करते का क्लाउड मध्ये? व्हाइट व्हाइट क्लाउड सेक्शन ना ते, आपल्या समोर येत आहेत का कार सोबत? फॉलो करतायत तुला? सगळ्यांना फॉलो करते। असं म्हणते का अलेक्सा? अलेक्सा नाही आंटी, जीपीएस आंटी, जीपीएस आंटी काय म्हणती? कार मधली आंटी, तिला जीपीएस म्हणतात। काय बोलायचं बोल लवकर। छोटा साईज मीडियम साईज आणि बिग साईज लार्ज साईज
सो गाइस, सो हमें मिल गया यहाँ पे किंग साइज मैट्रेस, और ये रहा किंग साइज मैट्रेस जो हमने ले लिया उसका नंबर। अब नीचे जाके उसे पिकअप करेंगे। चलो चलो चलो, लेट्स गो। सो गाइस, हो गया हमारी शॉपिंग हो गई है, और ये देखिए हमारा बेड, हमारा क्या सोना, हमारी सोना। और ये रहा बेड, हमने ये स्नेक प्लांट भी लिया है। अब हमें सबसे बड़ा टास्क है, ये जो मैट्रेस लिया है इसे कार में हमें एडजस्ट करना है, तो देखते कैसे एडजस्ट करते हैं। तो ये देखो मेरे हस्बैंड ने उसे एडजस्ट कर ही लिया फाइनली। सीट सामने हमें शायद करनी पड़ी होगी, सीट पड़ेगी थी ना सगे कैसे पलट पड़ ले तुझे बैग डॉगी कैसे पलट पड़ ले ओले बाबा डॉगी सर बस अस आई बस चला था बस सीट और बस वाओ सीट कितनी पड़ गई सीट कितना आगे लिया है सोना मैं कैसे बस ले बस समोर अरे कार सीट और बूस्टर सीट और बस ले नहीं तो सामने ना सामान चोर ले समझते हैं सोना तुला म्हणून कार सीट और बसावं लागलं का सोनाला इट्स ओके किती सामान येते कसं ठेवलंय सामान हम लोग घर पे आ गए और मैंने मस्त सी खिचड़ी बनाई है, मसाले भात क्या जो भी बोलते हैं खिचड़ी। और ये मेरे हस्बैंड ने पापड़ तले हैं, तो आराध्या भी हाथ से खा रही है ना सना, खा जाले खिचड़ी यम्मी खाओ देखो कैसे खाता देखो लोग। तो मैं आराध्या को ऐसे ये ऐसे घास क्या मनता ऐसा ये बना के रखती हूँ, और वो अपना अपना उठा के खाती है। हाँ खाओ हॉट नहीं है वार्म है वार्म बर ही खा तो इट्स ओके खा वाक खाली वाक दस्ते यम्मी गुड जॉब ये वेरी गुड ओके ओके गाइस अरे थाम ना सुना आने काबर काबर छान बनोले मन थैंक यू ओके गाइस तो मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और इस व्लॉग को एंड करेगी मेरी सोना। डू यू लाइक आवर वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज लाइक टू मॉम प्लीज लाइक एंड शेयर टू मॉमिस चैनल Subscribe to mommy's channel. Thank you. I'll see you in next video. Take care.